सबसे पहले मानस आपके पास आ रही हूं। मानस, जिस कानून व्यवस्था को लेकर, जिस एनकाउंटर को लेकर अब तक योगी सरकार की तारीफें पिछले 7.5 साल में हम सुन रहे थे, आज वही सवालों के घेरे में है, खासतौर से सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर क्यों ये सियासत का इतना बड़ा मुद्दा बन गया है? मानस, मानस आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। मानस आपके ना ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, मैं वापस आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। जी देखिए, हाँ हाँ बोलिए बोलिए मानस जी। जी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बोलिए जी। मैं कह रहा था कि बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की पूरे देश भर में पसंद की गई और तमाम लोगों ने इसको फॉलो भी किया, लेकिन जब यही बुलडोजर जब अकबर नगर में चलने लगे तो विरोध के स्वर भी उठे। बाद से लोगों ने कहा कि जो भी माफिया है, बड़े माफिया, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में अपराधियों के खिलाफ एक ऑपरेशन लंगड़ा अघोषित तौर पर था, लेकिन पैर पर गोली मारने का एक चलन शुरू हुआ, जिससे ये कहा गया कि जो अपराधी है वो कम से कम उनमें पुलिस का खौफ होगा। लेकिन अभी आप देखेंगे तो बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, आज अजय राय जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो आज जौनपुर जा रहे हैं मंगेश यादव के घर पर मुलाकात करने। ये भी शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि क्योंकि एक घोषित अपराधी था और क्योंकि उसकी जात पिछड़ी जात से आता है, इसलिए तमाम आप देखिए कि सियासी लोग हैं जो गैर भाजपाई दल है वो एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब देखिए सैंपथी के लिए सहानुभूति के लिए घर तक जा रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं था कि वो एक अपराधी था, साथ उसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे और इतनी बड़ी वारदात को उसने अंजाम दिया, ये भी बात सही कि अगर किसी की जान चली जाती तो फिर क्या होता। लेकिन क्योंकि मामला अब ये सियासी हो चुका है, न केवल अखिलेश यादव बल्कि राहुल गांधी ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। सवाल इसलिए क्योंकि ये कहा गया कि एनकाउंटर जात देख के किया गया, क्योंकि जिस जो ये बदमाशों का गिरोह था उसमें दूसरे जाति के भी लोग शामिल थे, नितिन सिंह नाम का भी एक अपराधी जिसके ऊपर करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो ये सवाल उठाया जा रहा कि आखिर उसी को गोली क्यों मारी गई, दूसरे को क्यों नहीं मारी गई। ये जो जात देख करके जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, दरअसल इसका अगर आप मकसद देखेंगे तो सिर्फ पीडीए का फार्मूला यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इसी को लेकर के फोकस कर रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। अब आप देखिएगा इसमें तो जितनी मुखरता समाजवादी पार्टी को नजर आ रही है, बाद में कांग्रेस भी उसको फॉलो कर रही है। अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद जा रहे हैं मंगेश यादव के घर। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि मंगेश यादव बिल्कुल साफ सुथरा आदमी था या बड़ा सामाजिक कोई बहुत बड़ा कार्यकर्ता था, उसके उसकी मौत हो गई या बेवजह पुलिस को मार दिया तो उसके घर जाया जाए। ये इसके पीछे सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति समझ में आती है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जिस तरीके का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के दौरान किया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, उनको लगता है कि ये फॉर्मूला उनका सुपर हिट है और उसी के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। अब उसके लिए इस सियासी लाभ के लिए वो किसके साथ खड़े होंगे, किसके साथ नहीं खड़े होंगे, इसकी समीक्षा तो जनता ही करेगी, वही तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस एनकाउंटर पर जितना बड़ा सियासी बवाल इस वक्त खड़ा हुआ है, मुझे लगता है नहीं कि बीते काफी समय में कभी इस तरीके का कोई सियासी माहौल बना हो किसी एनकाउंटर से, वो भी खासतौर से जब कोई अपराधी मारा गया हो। मंगेश यादव चूंकि जौनपुर का रहने वाला है, पूर्वांचल का इलाका है, अजय राय भी वहीं से बदल के जिले से आते हैं, तो आज वो पहुंचेंगे, उनके साथ पूरा लश्कर होगा, वो घर को जाएंगे, किस तरीके की बात निकल करके आती है तो उनके बयानों से मालूम होगा। लेकिन जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं मंगेश यादव के एनकाउंटर पर, ये निश्चित तौर पर हैरत में डालने वाले हैं और खास तौर से जिस तरीके का समर्थन उससे मिल रहा है सियासी तौर पर, ये भी अपने आप में हैरत में डालता है। यह हो सकता है कि सियासी फायदे के लिए तमाम सियासी दलों को लगता हो कि इस जाति का है या उस जाति का है, लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि उसने एक अपराध किया था। अब एनकाउंटर फर्जी हुआ या नहीं हुआ है, ये जो हम लोग तमाम लोग पत्रकार हैं और हमारे इस पैनल में चलमणि त्रिपाठी जी भी शामिल है, हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक एक साथ में काम किया है, वो भी बेहतर बता पाएंगे क्योंकि बहुत सारी उन्होंने भी क्राइम की खबरें की हैं, वो बेहतर बता पाएंगे कि एनकाउंटर कैसे किए जाते हैं। लेकिन चूंकि मामला सियासी हो चुका है, इसलिए जो तमाम गैर भाजपाई दल है उनमें एक होड़ मची हुई है कि किस तरीके से इस एनकाउंटर के जरिए सियासी फायदा उठाया जाए। ठीक है, ठीक है मानस।